ये फैसला ना हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि इन्हीं जूतों ने अभी तक हमारा साथ दिया है। और याद है बचपन में इन्हीं जूतों की वजह से तो हम मिले थे। हाँ राजा, मंदिर के सामने मैं भी तो जूते संभालने का काम करती थी। अरे दिक्री, मनी ये बता कि ये जूते जमा करने के रेट अलग अलग क्यों है? बहुत सिंपल से सेठ जी, यहाँ लोग 500 के भी जूते जमा करते हैं और 5000 के भी, लेकिन चोर अपना हाथ साफ 5000 के जूते पर करता है, तो जिस जूते की ज्यादा रखवाली उसका ज्यादा रोकड़ा। आज मोटा पप्पा ने हमारी बेइज्जती भी इन जूतों की माला पहना कर की। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही जूते हमारी किस्मत की कहानी लिखेंगे। और देखा जाए तो ये जूते हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है रानी। हम दोनों की कहानी शुरू ही नहीं होती अगर वो छोटी सी रानी राजा के लिए जूते ना बनाए। ये लो पहन लो। तुम्हें पता है पापा ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया जूते बनाना। और पता है पापा हमेशा बचपन में कहते थे, जिस दिन इस पट्टे जूते से सोना निकलेगा उस दिन हमारा नसीब भी खुलेगा। और पापा की वजह से मैंने जूते बनाए थे। रानी मुझे पूरा यकीन है अब की बार तुम्हें 99% सांप नहीं काटेगा। मतलब? हमें तुम्हारे पापा के पास जाना है। पापा के पास? हाँ। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं उनकी मदद कर सकता। उसका पापा उसकी मदद करेगा। रानी, मैं पापा हूँ, तेरा पापा हूँ, टेंशन नहीं कर रहा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे साथ ना हो के भी मैं तेरी मदद करूँगा बेटा, मैं मदद करूँगा। पापा, वो मैं क्या बोल रही थी कि हम टेंशन नहीं लेना रानी, टेंशन नहीं लेना तू, मैं मदद करूंगा, मैं दूंगा। इंतजाम हो गया? अरे हो गया है पैसों का इंतजाम। रानी मेरी बात सुन, मैं ना अगर ऊपर रवाना भी हो गया ना, वो इंश्योरेंस के पैसे तो सुन रही है ना बेटा। पापा, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ हो पापा? मैं आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। पापा, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन रहे हैं ना? बेटा मैं समझता हूँ, गरीब आदमी है ना, वो अमीरी के सपने देखते देखते मर जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाया ना, मैं तेरे लिए, तेरी माँ के लिए ना, अपने बच्चों के लिए। लेकिन यानी तू टेंशन नहीं लेना, मैं जाते सब कुछ ठीक करके जाऊंगा। तो समझ रही है ना रानी? पापा, अब ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? हम हैं ना, हम दोनों आपके साथ। अब ये सब मत कहिए प्लीज पापा, पापा प्लीज। पापा आप सुन रहे हैं ना? अच्छा, मुझे बहुत टाइम लग रहा है। पापा बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं जाते जाते तेरी मदद करके जाऊंगा। मत करो। हेलो पापा, कैसे हो? ठीक तो हो ना आप? कहाँ पे हो आप?
हम आपसे मिलने आ रहे थे। राजा राजा सुन, वो तू टेंशन मत लेना। तू टेंशन मत लेना राजा, समझ गया ना तू? टेंशन मत कर, सब ठीक कर दूंगा मैं। देखा देखा कैसी बातें कर रहे। पापा आप हो कहाँ, आप ये बताइए। अब वो शांति नगर के पास वाले मंदिर वाली गली में तो नहीं ना, जहाँ पे आप हमेशा जाते हो? नहीं बेटा, वो मंदिर की बर्थडे की गली वाले क्या दिया है मुझे। लेकिन मैं तुझे जाते जाते जरूर कुछ देकर जाऊंगा। अरे सब सब कुछ देकर जाऊंगा मैं। सब कुछ लेकर जाऊंगा, तू टेंशन मत करना बस। पापा हो, पापा रानी एक काम करो, इनसे बात करती रहो, कुछ भी हो जाए फोन मत काटना, मैं देखता हूँ। राजा मुझे फोन करना जो भी। हेलो हेलो पापा, पापा पापा कहाँ हो आप? मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। हेलो हेलो पापा, पापा सुन रहे हैं आप? फिकर मत करना रानी, तेरा पापा अपनी जान देकर भी तेरी मदद करेगा। हेलो 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 पापा, जीते जी कभी अपनी रानी के काम नहीं आ पाया, लेकिन मर के उसकी मदद जरूर करूंगा। पापा 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 आप देख दो, पापा 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 राजा ये पापा पापा सर बेहोश हुआ। कुछ नहीं होगा पापा को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शीना जी पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। उच्चव रानी को कॉल करके बोलो कि पापा ठीक है। पापा पापा का कुछ पता चला तुझे? राजा ने पापा को ढूंढ लिए। टेंशन मत ले, वो बिल्कुल ठीक है। हम लोग बस अभी घर ही जा रहे हैं। तू पागल है भैलू, क्यों छोड़ देता है तू उन्हें अकेला? तुझे पता है ना पापा कैसे हैं? मैं कितना डर गई थी। तू टेंशन मत ले। तुम लोग घर पहुंचो, मैं आ रही हूँ। चलो उठाओ। पापा नींबू पानी पी लीजिए। रानी वो मैं कुछ मत बोलो आप, आपको पता भी आप क्या करने जा रहे थे? नहीं, मर के अपनी रानी की मदद करने का अच्छा तरीका ढूंढा है आपने। नहीं अगर ऐसा है तो हम सब भी यही कर लेते हैं ना, बात ही खत्म हो जाएगी। जिंदा रहकर तो मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, शायद मर के ही किसी के काम आ जाए। मैंने सोचा। क्या सोचा आपने?
मम्मी आप इस दुनिया में रहे ना रहे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मी तू ये क्या बोल नहीं रही? इसमें गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है। मैं ही शायद चूक गई इन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि इनकी क्या अहमियत है हम सबकी जिंदगी में। इसलिए शायद इतना बड़ा कदम। नहीं मम्मी तू मत बोलिए, सब संभाल अपने आप को। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। पापा पापा अभी शांति से बैठोगी या बार बार वही बात बोलोगी? चुप रह। एक मिनट, बात कर रहे थे मुझे। मुझे पता है कि मुझे घर में कोई एक जिम्मेदार इंसान नहीं समझता। से बात तो बराबर है। बचपन से तुम्हारी मम्मी ने कमा के खिलाया है तुम सबको। मैं तो पढ़ा रहता था दारू पीके दिन भर। वृंदा तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने हमेशा मेरी कमियों को पूरा किया है जैसे आज कर रही हो अपने आप को जिम्मेदार समझकर। तुमने माँ बाप दोनों का फर्ज अदा किया है। आप 20-20 घंटे काम करती थी लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। आज नवे परिवार का जो कुछ भी नाम है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब सूरत की बात ले लीजिए ना, हम लोग सूरत में थे तो वहां भी हमेशा परिवार के बारे में सोचती थी, काम के बारे में सोचती थी, बच्चों का क्या होगा उसके बारे में सोचती थी। बस और मैं वहां पर भी दारू पी के सोता रहता था। एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को पढ़ाए लिखाए, काबिल बनाए कि जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन चाहते हुए भी मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरी वजह से क्या कुछ नहीं सहा है तुम सबने। रानी बेटा बचपन से यहां वहां काम करती रही और मैं एक ऊंट की सवारी भी नहीं करवा पाया तुझे। चलो काका भगाओ को। पहले पैसे दो फिर भगाता हूँ। अरे पैसे तो पापा देंगे ना। पापा 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 उठो पापा। मेरी वजह से उत्सव मैं तुम्हें कभी समझा ही नहीं पाया कि जिम्मेदारी का मतलब क्या होता। चुक्की बेटा तेरे बाप को माफ कर दे। मुझे पता है कि मेरी वजह से तेरे ससुराल में तुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। तुम सबकी परेशानी की वजह सिर्फ मैं और यही बात मुझे बार बार परेशान करती रहती। इसलिए मैं अपना दर्द दारू की बोतल के साथ बांटने की कोशिश करता था और हाँ एक बात बोलता हूं सबको, आप में से कोई मेरे जैसा कभी नहीं बनना।
दुनिया में मेरे जैसा कोई बाप नहीं नहीं होगा जो अपने बच्चों की नजरों में गिर कर आओ। नहीं पापा, नहीं पापा, अब गलत सोच रहे हैं, अब नहीं है हमारी नजरों में गिरे हुए। मुझे समझाना पापा को। नहीं पापा, नहीं पापा, आपने हमारे लिए कितना भी कम क्यों ना किया हो, ये मत भूलिए कि आपने हमें अच्छी सीख दी है। पापा, आज से मुझे अपने उस पापा की जरूरत है जिसकी कारीगरी पूरा शहर मानता है। आपके जैसे जूते कोई नहीं बना सकता पापा। बहुत कमाल हो तुम बेबी, अब तुमसे दूर नहीं रह जाता। ईशा के कमरे से लड़के की आवाज आ रही है, लगता है सत्यम होगा। बड़ा तेज लड़का है, ये हुआ? अभी तो सगाई हुई है और अभी से कमरे में भी घुस गया है। हेलो, ये तो वीडियो कॉल पे बच्चे चालू है। ये आजकल के बच्चे ना बिल्कुल भी शांति नहीं है। अभी सगाई हुई नहीं कि कुचर 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 चालू। एक हमारे जमाने में तो शादी के बाद भी टाइम लगता था बात करने को। नहीं ऐसा नहीं है। I love you baby. मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। पहले माथे पर, फिर आंखों पर, फिर गाल पर, और फिर अरे सत्यम बेटा, अब तो हमारे घर का होने वाला दामाद नहीं बेटा भी है। तू मन चाहे तब आ जाना है। तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? अभी आ गई ना अहमदाबाद से। हाँ, तो मोटा भाभी सत्यम से बात कर रही है। तू केशा किससे बात कर रही है? अरे भाई क्या झोलम झोल है। मतलब केशा के प्यार वाला किस्सा कहीं और ही चालू है। मतलब सगाई किसी और से और प्यार किसी और से। आपको पता है हमने क्यों सोचा जूते बना के बेचने का? क्योंकि अपने 7 साल की रानी को ना एक बात सिखाई थी कि देखना जूते में से सोना निकल सकता है। जिस दिन इस पट्टे जूते से सोना निकलेगा उस दिन हमारा नसीब भी खुलेगा। और ये जादू सिर्फ मेरे पापा कर सकते हैं। पापा, मेरा मानना है कि कभी कभी सोना ना हमारे पास ही होता है, हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इस पेटी को ही देख लो, ये सोने की खान से कम थोड़ी ना है।